हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7B क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 45। फाइंड द नंबर। कोई नंबर है उसके डबल करके अगर हम माइनस 7 कर देते हैं तो इक्वल आता है 45 के, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी विल एज्यूम द गिवन नंबर इज x। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि जो नंबर है वो आप कोई सही वैल्यू ले सकते हो, x, y, a, ये आपकी चॉइस की, कंपलसरी नहीं कि x ही लेना है, y लिख सकते हो, a, b, c कुछ भी मान सकते हो ना। चलिए करते हैं इसे फिर। तो फर्स्ट वी विल एज्यूम, तो हमने मान लिया लेट द नंबर इज इक्वल x, जो नंबर है वो x है। फिर आप शॉर्ट में ए टी क्यू लिख दो। ए टी क्यू से मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कहता जाए वो करते जाना है, बस वर्ड प्रॉब्लम सिंपल सी बात है। ये कह रहा है ट्वाइस द नंबर, जो नंबर x है इसमें से हम ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस का मतलब टू से मल्टीपल, तो नंबर हो गया 2x है ना। तो क्या था, दोबारा सुन लीजिए, ट्वाइस अ नंबर When decrease by 7, जब किसी नंबर के 2 टाइम से 7 डिक्रीज करते हैं, यानी कि 7 को माइनस करते हैं, तो माइनस 7 हो गया। अगर होता इंक्रीज बाई 7 तो हम करते प्लस 7, तो क्या देता है गिव्स 45, यानी कि किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल 45। बस अब तो आप जानते हैं, इससे पहले बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माइनस 7 को हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7, 45 प्लस 7 इज 52, और 2 से डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल 52 अपॉन 2, और 2 से 52 कितने बार कैंसिल, 26, तो x की वैल्यू आ गई 26, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर इज 26। ओके, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है या इक्वेशन उसके हम आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आंसर चेक करना चाहते हैं आप कि ये सही है कि नहीं, तो चलो चेक कैसे करेंगे बताते हैं। नंबर क्या है 26, अभी क्या कर रहा है ट्वाइस अ नंबर, इसको अगर हम ट्वाइस करें, 26 का ट्वाइस करेंगे क्या जाएगा, ये मैं चेक करके दिख रहा हूँ, 52 आ गया, 2 से मल्टीपल कर दो, 2 6 12 2 2 4 1 52। ओके, तो ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 7, जब हम इसमें से 7 डिक्रीज करें तो 7 डिक्रीज करना, देखें क्या आता है 45, ये कह रहा था डिक्रीज बाय 7 गिव्स 45, तो 45 आया कि नहीं आया, आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको केवल बताया है, हम अगर चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, आपको डाउट हो तो चेक कर लेना चाहिए। नाउ सेकंड, थ्राइस अ नंबर, सेम इसी तरीके से है, ये ट्वाइस था वहां थ्राइस हो गया, थ्राइस का मतलब क्या हो जाएगा 3x, 3 से मल्टीपल। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाई, यहां डिक्रीज था वहां इंक्रीज, तो यहां माइनस हुआ तो वहां क्या हो जाएगा प्लस है ना, इंक्रीज बाई 5 गिव 44, तो आप लोगों के समझ में आ गया है ना, मुझे लग रहा है समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो आप एज्यूम कर लो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो जो हम नंबर चाहिए, लेट द ओनली नंबर लिख सकते हो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल एक्स, फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कर रहा था थ्राइस, यानी कि 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीपल करना है, अब इसमें इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करना बढ़ाना है, प्लस करना है, प्लस कितना इंक्रीज बाय 5 इट्स गिव्स, गिव्स का मतलब किसके इक्वल हो गया 44, तो बस हो गया 3x इज इक्वल 44 माइनस 5, 44 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 39, और 3 का जो डिवाइड करेंगे 39 में तो किसके आ जाएगा 13, 3 बन जा और 3 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 13, तो नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इज 13, हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 13। इसको भी चेक करके दिखा देता हूं, देखो थ्राइस 13 का 3 करना 39 हो गया, थ्राइस हो गया, इसमें 5 इंक्रीज करना है 5, तो 39 में 5 प्लस करो कितना गया 44, ही कह रहा था गिव 44, तो इक्वल आ रहा है, यानी कि आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
And the question is, 4 added 2 twice a number is 26 upon 5. Find the fraction. वही है. तो मान लो फ्रैक्शन x है. x upon 5 माननी जरूरत नहीं, खाली x है ना. Let वन वेरिएबल का तो एक वेरिएबल से ज्यादा मानना भी नहीं है, ध्यान रखना. लेट द फ्रैक्शन वी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, फोर एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, ये नंबर हमने एक्स माना, फ्रैक्शन एक्स माना, इसका ट्वाइस करना है, यानी कि टू एक्स. इसमें क्या ऐड करना है, फोर, तो प्लस फोर, और ये किसके इक्वल होता है, 26 अपॉन 5. अब इसके दो तरीके, टू से डिवाइड कर लो, या आप चलो डिवाइड का सिंजर छोड़ो, सिंपल. प्लस फोर को हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो माइनस फोर हो गया. ओके ना. अब इसका फोर का मतलब फोर अपॉन वन, आपको पता ही है, खूब अच्छे से जानते हो. तो फाइव एलसीएम, फाइव का डिवाइड वन में, सॉरी फाइव में वन टाइम्स, वन इंटू 26, 26 आ गया. अब वन का डिवाइड फाइव में, फाइव टाइम्स, फाइव फोर जा 20, तो टू x इज इक्वल टू 26 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 अपॉन 5. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 6 अपॉन 5, 2 नीचे आएगा, 2 बन जा 2, 3 जा, तो कितना आ गया, 3 अपॉन 5. तो फ्रैक्शन क्या हो गया, या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिख लेना आप लोग, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 5, इट इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज a number when added to its half give 72. Find the number. कोई number है, उसको उसके half में add कर दें, तो result आता है 72. Equal हो जाता है 72 के. तो हमें number find करना है, है ना? Find the number. तो हमने मान लिया, let the required number be x. तो according to question, इस number में इसका half एड कर दे, हाफ का मतलब बाई टू, एक्स अपॉन टू, ये इसका हाफ हो गया, वन बाई टू हाफ होता है ना, तो एक्स अपॉन टू एक्स का हाफ हो गया. ओके, तो बस इतना ही है. इट गिव्स इट्स इक्वल 72. सॉल्व कर लीजिए, यहां एलसीएम क्या आ जाएगा, टू, इसका मतलब ये हुआ वन का डिवाइड टू में टू टाइम्स, टू इंटू एक्स, टू एक्स प्लस टू का डिवाइड टू में वन टाइम्स, और वन इंटू एक्स, एक्स इज 72. टू एक्स और एक्स कितना हो गया, थ्री एक्स, यहां कर दूं, इस बेकार जगह 3x अपॉन 2 इज इक्वल 72. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सो वैल्यू ऑफ x इज 72, 2 तो ऊपर जाएगा, अपॉन 3 नीचे आएगा, 3 से कैंसिल हो गया 72, 3 2 या 6, 3 4 जा, और 24 2 जा 48, इट इज द आंसर. तो रिक्वायर्ड नंबर इज 48. Required number is 48. Okay, now next question number 5. And the question 5 is, a number added to its 2/3. 2/3 ka matlab 2 by 3, 2 upon 3. So, wahi humne maan liya, number maan liya, let the required number be x. So, according to question, is number mein 2/3 नंबर का ऐड कर देते, नंबर एक्स है तो उसका 2/3 होगा, 2 अपॉन 3 एक्स. तो ये हमें गिवन है किसके इक्वल, इक्वल टू 55. तो हमने 55 रख लिया, जैसे ऊपर अभी तक सारे सवाल सेम थे, इसका मतलब 1 है ही. तो हमने 3 एलसीएम ले लिया, 3 का मल्टीपल एक्स में करेंगे तो 3x प्लस 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम्स, 1 का 2x में करेंगे तो 2x इज इक्वल 55. 3x और 2x इतना हो गया 5x अपॉन 3 इज इक्वल 55. सो वैल्यू ऑफ x इज 55. 3 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं, और 5 आ जाएगा अपॉन में. 5 से 55 11 बार कैंसिल, 5 बन जा, 5 बन जा, 11 3 जा 33. तो रिक्वायर्ड नंबर इज 33. रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल 33. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन ये है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड इटसेल्फ बाय 45. तो सबसे पहले तो हम एज्यूम करें, तो सबसे पहले हमने भी मान लिया x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल x. तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या था अ नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन मल्टीप्लाई विल 4, इस नंबर में हम 4 से मल्टीपल करें तो क्या जाएगा 4x, तो ये किसके इक्वल होता है, एक्सीड इटसेल्फ, ये किसके इक्वल है जो नंबर है x है, इससे अपने से इटसेल्फ का अपने से ही कितना अधिक है 45, तो इसकी वैल्यू x प्लस 45 के होगी। ये तो कह रहा था ये जो नंबर है इसमें अगर हम 4 से मल्टीपल करें तो किसके इक्वल होगा, अपने नंबर से 45 एक्सीड माने अधिक, तो प्लस 45। बस सॉल्व कर लिए, x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, 4x माइनस x इज इक्वल 45, 4x में से x को सब्ट्रैक्ट करा 3x इज इक्वल 45, 3 से डिवाइड कर दीजिए आप 45 अपॉन 3, 3 से 45 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 15 टाइम्स, तो x इज इक्वल 15, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 15, रिक्वायर्ड नंबर इज 15। चलो इसको चेक कर देते हैं, क्या कहता है इस नंबर को 4 टाइम्स करें तो 4 का मल्टीपल करना 60, तो ये नंबर अपने से कितना अधिक है 45 अधिक हो गया, नहीं हो गया, देखो इसको 45 अधिक करो 60 के इक्वल बढ़ रहा है, तो ये हमारा ये आंसर यानी कि सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इसको आप अच्छे से समझना थोड़ा, है ना, और ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 7 ये है, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21, कोई नंबर है वो किसी नंबर से 21 बड़ा है, उतना ही बड़ा है जितना कि वो एक नंबर से 71 छोटा है, तो नंबर क्या होगा, अभी मैं और समझाऊंगा, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया। पहले तो मान लो लेट रिक्वायर्ड नंबर इज 8x, तो ये नंबर कितना बड़ा है, चल अब लिख दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो समझ में आ गया, मैंने नंबर मान लिया। अब दोबारा सुनिए, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21, ये 21 बड़ा है, तो वो नंबर क्या होगा एक्चुअल में, इसमें से हम 21 सब्ट्रैक्ट कर दें, जो नंबर की बात चल रही है कि ये हमने मान लिया नंबर एक्स है, ये नंबर किसी से 21 बड़ा है तो वो नंबर ये हो गया, और उतना ही है ये जितना कि 71 छोटा है, तो 71 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो वो इक्वल आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करें, मुझे लग रहा है अभी भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों के, चलो पहले से सॉल्व करते हैं फिर दोबारा समझाते हैं, तो 2x इक्वल टू कितना आया 92, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 से डिवाइड करा 46। अब जरा रियल देख के चलो, ये नंबर है 20 46, और ये कह रहा है ये नंबर क्या है 46 जो है नंबर यानी 46 इज मच ग्रेटर देन 21, ये 21 बड़ा है, 21 बढ़ाया तो वो नंबर क्या होगा, 21 माइनस कर दें तो कितना है 25, यानी कि इसकी बात चल रही है ये 26 इस नंबर से जितना बड़ा है ना, वही 71 से उतना छोटा होगा। अब 71 में से जरा 25 घटाना, उतनी आना चाहिए 46, तो 46 आ गया, बात समझ में आ गई। ये जो नंबर 46 है कोई एक हमें नंबर है पर्टिकुलर नंबर, जैसे 25 आंसर आया था, इससे जितना बड़ा है और ये कितना बड़ा था वो हमें दे रखा है कि 21, तो हमने 21 माइनस करके देखा तो 25 आ गया, यानी कि 46 इस नंबर से कह रहा था 25 से अगर 25 बड़ा है तो 71 से उतना ही छोटा होगा, 71 से 25 ही छोटा होगा ये 46। अब तो क्लियर हो गया, तो हमने मान लिया नंबर है x, तो जो नंबर है अगर ये नंबर किसी से 21 बड़ा है तो वो नंबर क्या होगा, इसमें से 21 माइनस कर दें, और ये नंबर 71 से उतना ही छोटा है तो 71 में से माइनस कर दें तो इक्वल आएगा दोनों, 25 को 25 आएंगे, एग्जांपल देखो आया था, तो इसको सॉल्व कर लिया, माइनस एक्स को उधर लिया है तो प्लस एक्स, 21 इधर गया तो प्लस के 21, 2x इज इक्वल टू 92, तो x बराबर 46, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 46। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन इट इज 2y3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर y20, यानी कि कोई नंबर है मान लो x है तो उसका 2y3 ओरिजिन से कितना लेस है वो दे रखा है 20, यानी कि ओरिजिनल नंबर x है तो x में से हमें 2y3x सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल रख देना है 20, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर का 2y3x, 2 अपॉन 3 करा है तो 2y3x हो गया, और ये ओरिजिनल से कितना कम है, यानी कि तो ओरिजिनल नंबर तो हमने x माना तो x में से माइनस कर दो, जितना कम है वो इक्वल रख दो 20,
जैसे हम कहें जो ओरिजिन नंबर 10 है ना, उसमें से उसका वन थर्ड या वन टू निकाल लो, तो वन टू कितना हो गया, फाइव हो गया, तो इक्वल हो जाएगा। खैर इसी तो हमें बता दें कि टेन है, थ्री कम है, तो कितना कम है, टेन में से थ्री माइनस कर दो, सेवन कम है, सेवन कम आ जाएगा, वही चीज़ दे रखी है यहाँ, बस सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकलेगी, थ्री एलसीएम, थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल 20, 3x में से 2x सेपरेट करा x, और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60 आंसर आ गया था ये 3, तो x इज इक्वल 23 या 60, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 60। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन इज अ नंबर इज 2 अपॉन 5 टाइम्स एन अदर नंबर। एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 2 अपॉन 5 टाइम्स है। इफ देयर सम इज 70 तो फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर फाइंड करने हैं। ओके, तो हमने मान लिया नंबर है x, एक मिनट पढ़ लूं द्वारा, अ नंबर इज 2 अपॉन 5 टाइम्स एन अदर, इसे अदर नंबर मान लो, लेट द अदर नंबर जो एन अदर नंबर है, एन अदर नंबर भी x, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है, नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर होगा इसका 2 अपॉन 5 एक्स, तो एक नंबर x, दूसरा उसका 2 अपॉन 5 एक्स है, बस समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम दे रखा है कि इफ देयर सम इज 70, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 अपॉन 5 एक्स इज 70, तो सॉल्व करके पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, 5 का मल्टीपल x में 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 70, कुछ पास पास लिख दिया, 5 और 2 कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 75, इधर चला जाएगा ना 70 इंटू 5, तो x इज 70 इंटू 5 अपॉन 7, 7 से ये 10 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 50, तो एक नंबर तो निकलाया जो था एन अदर नंबर इज x, तो 50, तो दूसरा नंबर क्या होगा 2 अपॉन 5 इंटू 50, स्पेस कम है, चलिए नेपीस पकड़ते हैं। ओके, तो मैं आपको यहां करता हूं क्योंकि आपको दिखाई मिलेगा, तो अदर नंबर क्या होगा ये देखिए समझ सके, अदर नंबर इज कितना है 2 अपॉन 5x, ये रहा 2 अपॉन 5x, x वैल्यू पुट कर दें, 2 अपॉन 5 इंटू एक्स, 5 बन जा 5, 10 जा 10, 2 जा 20, तो अदर नंबर 20 आ गया। दूसरा तरीका ये था, इन दोनों का सम हमें दे रखा था 70, तो 70 में से हम 50 को माइनस कर देते, अदर नंबर निकला था, तब भी वही आता 70 माइनस 50 20, ये आपकी मर्जी है, किसी भी तरह से कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 है ना, ये तो आप अच्छे से जानते हो, 2/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 का मतलब समझ में आ गया 1/3 ऑफ द नंबर बाई 3, ये तो सिंपल सा है, हमने मान लिया लेट द नंबर बी x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ नंबर इज इक्वल 3, यानी कि इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो क्या आएगा 3, क्योंकि ये इससे 3 बड़ा है, या 3 प्लस 1/3x ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्व कर लें, लाइक फ्रैक्शन है तो 2x माइनस एक्स डायरेक्ट सेपरेट हो जाएगा, 3 का क्रॉस 2x में से x गया x, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बड़ी इजी सॉल्व हो गया, तो आंसर इज 9, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 9, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 उसको आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये है द फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 इक्वल इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 5 फाइंड द नंबर, मतलब क्या भी समझाएंगे, पहले तो नंबर आप सबसे पहले तो मान लो नंबर x है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट का मतलब x अपॉन 5, ये फिफ्थ पार्ट हो गया है ना नंबर का, अब दोबारा सुनिए ये कह रहा है द फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5, जब इसमें हम 5 इंक्रीज करते हैं यानी कि प्लस 5 करते हैं, यहां तक हो गया। ओके, इक्वल इट्स, तो ये किसके इक्वल होता है,
इट्स फोर्थ पार्ट, नंबर एक्स था, इसका फोर्थ पार्ट का मतलब एक्स अपॉन फोर, ठीक है ना, डिक्रीज बाई फाइव, इसके फोर्थ पार्ट से फाइव कम है, तो एक्स अपॉन फोर फोर्थ पार्ट माइनस फाइव, डिक्रीज है तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस, ये इसके इक्वल है, बस अब तो इक्वेशन होंगे, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस फाइव को उधर लिया है, तो फाइव प्लस फाइव इज इक्वल एक्स अपॉन फोर, और इसको इधर ले गए तो माइनस के एक्स अपॉन फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन इज इक्वल, फाइव फोर का एलसीएम ट्वेंटी, फाइव का मल्टीपल एक्स में फाइव एक्स माइनस फोर एक्स, आप सोच रहे हो फाइव यहाँ क्यों लाया, यहाँ दिख गया माइनस का है तो मैं इधर ले आया, वरना आप एक्स को इधर ले आते तो बाद में हम माइनस से डिवाइड करना पड़ता और कुछ नहीं, यानी कि एक्स अपॉन फाइव है एक्स अपॉन फोर से छोटा, तो बड़े की तरफ ले जाते हैं, और ऐसा कंपलसरी भी नहीं है, आप एक्स को इधर भी ला सकते हैं, लास्ट में माइनस आंसर आता तो हम दोनों साइड माइनस से मल्टीपल करते, तो ये कितना आ गया, टेन इज इक्वल फाइव एक्स में से फोर एक्स सेपरेट करें एक्स अपॉन ट्वेंटी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स इज टेन इंटू ट्वेंटी, वैल्यू ऑफ एक्स इज 200, तो नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इज 200, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 200, इसका आंसर चेक करा देता हूं, क्या कह रहा था, फिफ्थ पार्ट, तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या होगा, 200 अपॉन 50 यानी कि 40 आ गया, जब इसको इंक्रीज करें 5 से तो प्लस 5 करना, तो क्या हुआ 45 आया, और ये किसके इक्वल है, कह रहा था फोर्थ पार्ट, इस नंबर का फोर्थ पार्ट से फाइव कम है, जरा फोर्थ पार्ट करना, ये आएगा 50, देखो 50 से फाइव कम है 45, माइनस फाइव, यानी कि आंसर इज करेक्ट, ओके, बट प्रॉब्लम में बस ये है, आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिर्फ बहुत ईजी है, अगर आपने इक्वेशन गलत बनाई तो सब गड़बड़ हुई है फिर तो, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पहला आप क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, लिसनिंग केयरफुली, क्वेश्चन इज फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर whose sum is 63, ये तो बहुत इजी है, consecutive का मतलब लगातार, अगर एक 4 है तो दूसरा 5, तो इसमें एक x होगा तो दूसरा x plus 1, इन दोनों का सम दे रखा है, तो चलो करते हैं, let number be x and x plus 1, तो let two consecutive nature numbers are x and x plus 1, तो according to question सम दे रखा है 63, यानी कि इन दोनों को प्लस करें, फर्स्ट नंबर x है प्लस सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1, इट इज इक्वल 63, तो x प्लस x 2x प्लस 1 को हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो साइन विल बी चेंज, तो 2x इज इक्वल 62, 2 से डिवाइड कर दें तो x इज 31, 2 से डिवाइड कर 2 3 जा 2 बन जा, तो फर्स्ट नंबर 31 और दूसरा क्या हुआ x प्लस 1 32, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 31 एंड दूसरा समझिए 31 प्लस 2 30, अरे दिख नहीं रहा सॉरी, देखो अब देखो आप 31 एंड 32, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नाउ क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 13 इज फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स whose sum is 76, अब चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स ऑड हो चाहे इवन नंबर, हमेशा क्या होंगे टू कॉन्सिक्यूटिव और इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस टू, प्लस टू क्यों आएगा, मान लो अगर पहला इवन नंबर ही होता, अगर पहला फोर है तो दूसरा क्या होगा उसके जस्ट बाद वाला सिक्स, तो प्लस टू करेंगे, सेम ऑड के लिए अगर मान लो पहला ऑड फाइव है तो उसके जस्ट बाद कौन सा आएगा ऑड नंबर सेवन, कैसा आया प्लस टू करके, तो ये नंबर हो गए। अब तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम दे रखा है, तो फर्स्ट इंटीजर्स प्लस सेकंड इंटीजर्स और इट इज इक्वल 76, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल प्लस 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस 2, तो 2x इज 74, तो x इज 37, तो x 37 आ गया, तो दूसरा क्या होगा 37 प्लस 2 39, तो फर्स्ट ऑड इंटीजर्स, तो फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 37 एंड सेकेंड ऑड इंटीजर या पॉजिटिव ऑड लिख लेना आप, इज डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, है ना, x प्लस टू 37 प्लस टू
इज इक्वल 39. नाउ क्वेश्चन 14, फाइंड थ्री कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इंटीजर्स है ना, हूज सम इज 90. अब इसमें तीन लगातार इंटीजर्स हैं, इवन है, तो हमने कहा था x और x प्लस टू मानेंगे, तो नेक्स्ट क्या हुआ, इसमें प्लस टू करें तो क्या होगा x प्लस फोर, जैसे 2, 4, 6, समझ में आ गया ना, पहले 2 है, 2 में 2 प्लस करा 4, अब 4 में 2 करा या फर्स्ट में 4 ऐड कर दिया, तो नंबर ऐसे लिखते हैं x, x प्लस 2, नेक्स्ट x प्लस 4, और नेक्स्ट होता तो क्या मानते हैं प्लस 2 करते जाओ x प्लस 6. तो यहाँ केवल इन तीन नंबर की बात चल रही है. तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम इज गिवन, यानी कि फर्स्ट इवन नंबर प्लस सेकेंड इवन नंबर प्लस थर्ड, थर्ड इज x प्लस 4 और इट इज गिवन इक्वल टू 90, देयर सम इज 90. x x x तीनों को हमने ऐड करा 3x हो गया, प्लस 4 प्लस 2 6 इज इक्वल 90, तो 3x इज 90 माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3x इज इक्वल हो गया 84, 90 में से 6 गया 84, तो वैल्यू ऑफ x इज 84 अपॉन 3, तो वैल्यू ऑफ x इज 3 2 जा 6 और 3 8 जा, तो फर्स्ट इवन नंबर इज 28, तो सेकंड क्या होगा x प्लस 2 30 और नेक्स्ट 32, तो लिख दोगे 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर, पहला 28, इसके बाद क्या आएगा 30 प्लस 2, वैल्यू पुट कर दो x प्लस 2, 28 प्लस 2 30 और 28 प्लस 4 32, तो दीज आर 3 इवन नंबर और लगातार है कॉन्सिक्यूटिव में, इनको ऐड करके देख लो इन तीनों का सम भी 90 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है. तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना. आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 1 to 14, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हो, चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपको पसंद आया हो या आपकी वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी फायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपका मिस ना हो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.